2019 चाइना के वुहान से दुनिया के कोने कोने तक हाहाकार। एक वायरस ने मचाया आतंक, घरों में कैद होने को मजबूर थे लोग, करोड़ों लोगों की मौत का जिम्मेदार फिर से तैयार है मचाने को कोहराम। अब लेकर आ रहा है नई लहर, कोविड-19 से हो जाएं फिर से सावधान। कोरोना महामारी के बढ़ते मामलों ने एक बार फिर से दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। अभी कोरोना से लोगों को थोड़ी राहत मिली ही थी कि चीन, जापान, अर्जेंटीना, अमेरिका और ब्राजील जैसे देशों में फिर से केस बढ़ने शुरू हो गए हैं। चीन में कोविड-19 मामले में रोज उछाल आ रहे हैं। ओमिक्रोन BF.7 वेरिएंट के मामले अब भारत में भी पाए जा रहे हैं, जिनमें वैक्सीनेशन करा चुके लोग भी कोविड पॉजिटिव हो रहे हैं। दरअसल कई ऐसे लक्षण हैं जिन्हें कोई भी इंसान सामान्य मानकर अनदेखा कर देता है, लेकिन वो लक्षण कोरोना के भी हो सकते हैं। वहीं यूके की हेल्थ स्टडी ऐप जो पर संक्रमित हुए लोग अपने लक्षण बताते हैं। इस ऐप पर पिछले कुछ दिनों में संक्रमित लोगों ने अपने अपने लक्षणों के बारे में बताया है, जिसमें बताया गया है गले में खराश, बंद नाक, बिना कफ वाली खांसी, सिर दर्द, कफ के साथ खांसी, बोलने में परेशानी, मांसपेशियों में दर्द, गंध ना आना, अधिक बुखार, लगातार खांसी, सांस लेने में समस्या, थकान महसूस होना, भूख में कमी और डायरिया जैसी बीमारियों को आप अनदेखा नहीं कर सकते हैं। वहीं हेल्थ स्टडी के मुताबिक गंध की कमी और सांस लेने में तकलीफ होना कोविड-19 के BF.7 वेरिएंट के कॉमन लक्षण हैं। कोरोना के अन्य वेरिएंट में भी ये सबसे आम लक्षण हैं। इसके अलावा नेशनल हेल्थ सर्विस का कहना है कि कई लोग 5 दिन बाद भी दूसरों में संक्रमण नहीं फैलाते हैं, लेकिन कुछ लोग संक्रमित होने के 10 दिन बाद तक भी संक्रमण फैला सकते हैं। इसलिए जिन लोगों में कोई लक्षण नजर नहीं आ रहे हैं, उन्हें अनदेखा करने की जगह 5 दिन तक दूसरे लोगों के संपर्क में आने से बचना चाहिए और कम से कम 10 दिनों तक बुजुर्ग, बच्चों या फिर बीमार लोगों से मिलने से बचना चाहिए। अगर डॉक्टर्स की माने तो उनका कहना है कि भारत में कोविड वैक्सीनेशन अभियान और इफेक्टिव वैक्सीन को देखते हुए चीन में कोविड-19 के बढ़ते मामलों से घबराने की जरूरत नहीं है। हमें चीन से आने वाली फ्लाइट्स के संबंध में नीतियों पर तुरंत काम करना चाहिए। चीन में फैला हुआ कोविड न केवल चीन के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए घातक है, जिस वजह से हम सभी को सावधानी बरतने की काफ़ी ज़रूरत है। देश और दुनिया से जुड़ी बाकी महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिएगा न्यूज़ 44। नमस्कार।